दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। तो जैसा आप जानते हैं कि RRB NTPC के मैं आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये तीसरा पार्ट है और इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पहला आपने हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया है, तो ज़्यादा हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जहाँ से हमने कल एंड किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जिनको जाना जाता था वे कौन है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीर खुसरो। तो आप जानते होंगे कि अमीर खुसरो कौन थे, तबला और सितार के आविष्कारक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो क्या था, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, इनका जो है पूरा नाम था। और ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के पटियाला गाँव में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था अभी कि जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किसको बनाया था, किस स्थान पर बदली थी, दौलताबाद। यानी पहले दौलताबाद थी फिर उसके स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर मध्यकालीन क्षेत्र से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के जो पहले संस्थापक थे वे कौन थे। तो आंसर रहेगा हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, ओके। और विजयनगर की स्थापना जो की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। और जो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजा था वो कौन था, हरिहर प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। और जो राजधानी थी इसकी वे थी अनेगोंदी। तो ये आपको याद रखना है। तो इतना ही काफ़ी है इसमें। और जो विजयनगर की जो राजधानी थी ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और उसका जो राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी में थी। और इसका वर्तमान नाम जो विजयनगर है उसका ही नाम क्या है, हम्पी इस टाइम। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, हम्पी में। और ये राजधानी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी था क्या हुआ करता था, मतलब कहाँ हुआ करता था। तो ये था हम्पी में, ओके। और आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हज़ार स्तंभ मंदिर, यानी हिंदू मंदिर है जिसे हज़ार स्तंभ मंदिर कहा जाता है, यानी थाउजेंड पिलर टेम्पल का निर्माणकर्ता कौन था। तो ये था रुद्रदेव, आंसर रहेगा रुद्रदेव। और रुद्रदेव ने ही क्या बनाया था, हज़ार स्तंभ मंदिर बनाया था जो कि तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है। और तेलंगाना में स्थित है ये हज़ार स्तंभ मंदिर। और ये विष्णु और शिव तथा सूर्य मूर्तियाँ इसमें स्थित है, विष्णु और शिव तथा सूर्य की जो मूर्तियाँ हैं वो इसमें स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ की राजधानी थी, सिसोदिया वंश की, सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। जो चित्तौड़गढ़ है वो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। और जो राणा कुंभा है ये भी सिसोदिया वंश से रिलेटेड है। और राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो राणा कुंभा इसका आंसर रहेगा। और ये हिंदू वेद शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, हिंदू वेद शास्त्र देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसने बनवाया था। यानी जंतर मंतर जो दिल्ली में स्थित है वो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, ओके।
तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था। जो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था? महाराजा सवाई जयसिंह ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर एक का जो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो ये क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल जो कि कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में। किसने करवाया था उसका निर्माण? आंसर रहेगा महाराजा सवई जयसिंह प्रताप, मतलब महाराजा सवई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। और ये 1799 ईस्वी में इसको बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसल के साम्राज्य के दौरान किया गया था। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो प्रश्न है आपको एक बुक में आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए ये आप ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो उस बीमारी का नाम था प्लेग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। जो चार मीनार जो बनाया गया था वो प्लेग जो बीमारी थी उसकी समाप्ति की खुशी में ये बनाया गया था चार मीनार, और 1591 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और बनाया किसने था? कुली कुतुब शाह ने। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है, और प्लेग जो रोग होता है उसकी समाप्ति की खुशी में ये बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आप जानते हैं कौन सी, चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर डैश और बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को की समाधि है, तो जो मोहम्मद आदिल शाह है उनकी समाधि बीजापुर में किस नाम से है? गोल गुंबज। ओके, जो गोल गुंबज है बीजापुर में वो क्या है? मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंग विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह है बोडेया महाराज का निवास भी था। तो ऐसा ये कौन सा महल है उसका आपको नाम बताना है? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मैसूर महल, मैसूर महल इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये यहाँ से मुगल काल के जो प्रश्न हैं स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन मुगल काल से पूछे गए हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप जानते हैं, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल, कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल वंश का जो प्रथम बादशाह था कौन था? बाबर था। ठीक है, जिसने केवल दिल्ली को, एक मिनट यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, तो जो मुगल वंश का जो प्रथम शासक था जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया है। ठीक है, और 14 फरवरी 1483 को फरगाना के छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था, और ये दिल्ली में शासन करने से पहले कहाँ का शासक था? ये फरगाना का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फरगाना का ये शासक रहा था। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं सदी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया, तो किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया बाबर ने? पोलो। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर पोलो का शौकीन था, मतलब पोलो खेलता था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान कौन से वंश के शासक को नहीं कहा जाता था? ये है मुगल वंश के शासक। ठीक है, इनको सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था
का उल्टा सही क्रम यानी अंतिम अंतिम से स्टार्ट करना है, आपको बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे लास्ट में कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, उससे पहले कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब से पहले कौन था, शाहजहां, शाहजहां से पहले कौन था, अकबर। तो इस प्रकार ये क्रम यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सही क्रम में, सीधे क्रम में देखिए, अकबर था 1556 से 1605 तक रहा, और अकबर का पुत्र था शाहजहां जो कि 1627 से 1658 तक रहा, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा, और औरंगजेब का पुत्र था बहादुर शाह। तो ये आप बहादुर शाह जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक ये रहा है, तो अंतिम शासक था ये मुगल का बहादुर शाह द्वितीय। ओके चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो बादशाह अकबर का विरोध जो किया था वो चांद बीबी ने किया था, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल और दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। तो कौन सा किला है, आगरा का, जो आगरा का फोर्ट है यानी आगरा फोर्ट, उसमें ये सारी चीजें स्थित है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित नहीं है। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सी फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो कुतुबशाही जो मकबरा है, कुतुबशाही मकबरा जो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में आप जानते हैं, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन कुतुबशाही मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। और ये आपको याद रखना है, जो कुतुबशाही मकबरा है वो कहाँ पर है, सीकरी में स्थित है, सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी में नहीं होकर के कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। तो ये जो है हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब सबसे इनमें डिफरेंट कौन सा है आपको बताना है। तो डिफरेंट हो जाएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन भी आया है। और यह किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के, मतलब उनकी मैरी के मुंबई आगमन के अवसर पर ये बनाया गया था उनके स्वागत के लिए। तो ये आपको याद रखना है, और आगे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था, और गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण अपोलो बंदर पर कराया गया है। तो कहाँ पर है, अपोलो बंदर पर, यानी अपोलो बंदरगाह पर ये इसका निर्माण कराया गया है। इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिज़ाइन किया था, और ये भी आपको याद रखना है। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का जो महल का निर्माण है वो किसने करवाया था, अकबर ने। तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है कि इसका निर्माण, इन तीनों का निर्माण अकबर ने कराया था, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया अकबर ने नहीं करवाया था। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया है। तो शाहजहां, तो ये आपको पता ही होगा, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। कब बनवाया था, 1648 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने, ये भी आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन सी ऐसी जगह है इन चारों ऑप्शन में से जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में नहीं है। आंसर रहेगा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है, और हुसैन सागर झील के पास में है ये गोलकुंडा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। तो आंसर रहेगा कोचीन, यानी देखिए यहाँ से यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो
भारत में जो पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले मतलब किले का निर्माण कराया था किया था, तो ये था कोचीन। तो कोचीन में सबसे पहले कोठी बनाई थी पुर्तगालियों ने, ठीक है, भारत में। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या किला कह सकते हैं आप इसको, वो कहाँ पर यूरोपीय दुर्ग कहाँ पर बनवाया था, किसने बनाया था, इसी ये बनाया था अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में ये बनाया गया था कोचीन में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अल्बुकर्क ने बनाया था 1503 में, कहाँ पर, कोचीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, तो ये आए थे 16वीं सदी में, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर पुर्तगाली जो थे वो अल्बुकर्क आया था सबसे पहले, अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यानी यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया था, कहाँ पर, गोवा पर इसने अधिकार कर लिया था। तो ये आपको याद रखना है, आदिल शाह को पराजित करके 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था, तो 1505 में किस किले का निर्माण कराया गया था, सेंट एंजेलो फोर्ट यानी सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। कब कराया गया था, 1505 ईस्वी में। और ये जो थे पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने सेंट एंजेलो फोर्ट यानी केरल का जो निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर कराया था इसका निर्माण, केरल में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, मतलब उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सूती एवं रेशमी, जो सूती एवं रेशमी कपड़े से बने कपड़े का जो व्यापार करता था, निर्यात करता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया, तो मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो ये आई थी 1600 से 1612 ईस्वी के बीच में इसने अपने को मतलब भारत में स्थापित किया था। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, किसने, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इसको 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसने किया था, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। और आगे यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टम अथवा इसको मछलीपट्टम भी कहा जाता है में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ पर बनाया था, सूरत में। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टम में और स्थायी कारखाना सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था, मतलब ऐसा इनमें से चार में से कौन सा युद्ध है जो भारतीय और अंग्रेजों के बीच नहीं लड़ा गया है, तो इसका आंसर रहेगा एंग्लो वर्सेस बांग्ला। जो युद्ध था वो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं था, बाकी जो तीनों युद्ध है वो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं,
और अगर ये वीडियो ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो आपको यहीं से आगे से स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।